फाइनल हम लोग आ गए हार्ट चैलेंज एपिसोड 8 के पार्ट 2 के साथ। और पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बीआर के नए रैंक सीजन में लगातार 7 दिन तक फ्री फायर खेल के हम लोग इंडिया में 35 नंबर पे आ गए थे। पार्ट 2 में हमें 35 से टॉप 1 करना था, इसके लिए हम लोग लगातार 10 दिन तक फ्री फायर खेलेंगे। और अब मुझे लग रहा था कि टॉप 1 ज्यादा दूर नहीं है, बट उससे पहले मेरे सामने आके खड़ी हो गई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मुझे सैमसंग की तरफ से इन्विटेशन आया और 3 दिन के लिए बेंगलोर से मुझे जाना पड़ा दिल्ली के लिए। और इन 3 दिनों में मेरी आईडी में जितना रैंक पुश होना था वो हो नहीं पाया, और उसकी वजह से अब दिल्ली से आके जैसे मैंने रैंक देखी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था, बट मेरी हिम्मत नहीं हारी और मैं वापस से लगे अपने काम के ऊपर। अब जैसे 2 दिन बाद मैं इवेंट से लौट के घर आया और मैंने आईडी चेक की, मैं इंडिया में 86 नंबर पे आ गया था, 33 से डायरेक्ट 86 पे। और एक टाइम पे मेरे दिमाग के अंदर ये ख्याल आया कि हम रैंक पुशिंग छोड़ देते हैं, यहाँ से शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा डिफरेंस हो चुका है टॉप 1 और मेरे बीच में। बट फिर मैंने वेट के सोचा कि अगर 7 दिन में मैं डायमंड 3 से डायरेक्टली इंडिया के अंदर 33 पे जा सकता हूं, तो 10 दिन के अंदर मैं 86 से टॉप 1 नहीं कर सकता क्या? यही सोच के मैंने एक बार फिर से रैंक पुशिंग स्टार्ट कर दी भाई। और पहले गेम के अंदर 4 किल निकालने के बाद हम लोग तीनों बंदे मर गए थे, बट इस बार पहले पार्ट की तरह हम लोगों ने गलतियां नहीं करी, माइनस नहीं खाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने एक जोन सर्वाइवर रखा है जो कि एक बैकअप प्लेयर का काम करता है। हम 3 बंदे रश करते हैं और एक चौथा वाला जो होता है जो हमें जोन के अंदर से बार बार रिवाइव देता रहेगा, और ये हर एक रीजन प्लेयर करता है, हर एक रीजन स्क्वाड करती है ताकि माइनस ना हो जाए, क्योंकि जब से रिवाइवल सिस्टम आया है बंदे बहुत ज्यादा अलाइव रहते हैं एंड सर्कल में, रीजन लोबी में, और लास्ट टाइम सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां चलती है। तो अगर बुढ़िया नहीं होता है तो रीजन लोबी में प्लस भी बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोगों ने इस बार एक जोन सर्वाइवर रखा है। पर देखने वाली बात होगी आखिर में जोन सर्वाइवर वाली ट्रिक्स में कितना ज्यादा फायदा होता है, या फिर हमें मजबूरी में एक रशर ही लेना पड़ेगा वापस से। पहले गेम के अंदर एक्चुअल में फायदा तो हुआ था, मरने के बाद हम लोग रिवाइव हुए और मैंने यहाँ पे 9 किल ऑलरेडी निकाल लिए थे। लास्ट वाला प्लेयर बचा हुआ था जिसको मैंने लास्ट में नीचे कूद के मार दिया और पहला ही गेम हम लोगों ने यहाँ पे बुआ कर लिया। पहले गेम के अंदर किल तो काफी ज्यादा कर लिए थे, बट हमें प्लस पूरा नहीं मिला था क्योंकि हम लोगों ने मिशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए थे जिसके एक्स्ट्रा में 7 या फिर 8 प्लस मिलता है। अब दूसरे गेम के अंदर स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 किल तो कर लिया था, बट उसके बाद एक मोबाइल प्लेयर की यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है भाई जो कि मेरे साथ हो गई। एक नया मोबाइल प्लेयर हुआ, मैंने DND एक्टिवेट नहीं किया था मेरे फोन में, और जैसे मैंने यहाँ पे गन का स्कोप खोल के सामने वाले को मारने का ट्राई किया मुझे कॉल आया, मैं घर की छत के ऊपर ही नॉक एंड फिनिश हो गया। उसके बाद मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव किया वापस से एक बार फिर से, और एक बार नीचे उतरने के बाद मैंने सामने वाले प्लेयर को एलिमिनेट किया, और कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे किल निकाल लिए थे, ऑलरेडी 3 किल हो गए थे मेरे। अब जोन छोटा हो रहा था, मुझे पता था कि एंड सर्कल में यहाँ पे डॉक्टर ड्राइविंग होने वाली है, तो अपने को पहले हाइट का एडवांटेज लेना ताकि हमको ऊपर कोई व्हीकल से फिनिश ना कर पाए। अब मैं ऊपर तो आ गया था, मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ही किल मिले और पोर्टल लगा कि मैं एक बार फिर से जोन के अंदर चला गया, बट जोन फिर भी हमारे पास नहीं था। मैंने एक किल यहाँ से निकाला और एक बार फिर से मैं जैसे नीचे गया मेरे टीममेट ऑलरेडी यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक घुमा रहे थे और सामने वाले प्लेयर भी घुमा रहे थे। यहाँ पे कुछ एनिमी फायदा उठा के मेरे टीममेट के मॉन्स्टर ट्रक में जाके बैठ गया, बट मैंने मेरे टीममेट को बोल दिया भाई तू गाड़ी को एक ही जगह पे रोक दे, मैं इसको हेडशॉट मार के नीचे गिरा दूंगा, और सेम वही हुआ, मैंने उसको यहाँ पे गिराया और सामने एक और यहाँ पे एनिमी दिखा जिसको मैंने हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक भी कर दिया। काफी अच्छे किल मेरे को मिले जा रहे थे, बट उसी में एक और गाड़ी वाला आके मुझे उड़ा दिया। ज्यादा डैमेज नहीं लगा था, मैंने खुद को पेक करके हील किया और उसके बाद सामने वाले एनिमी ऊपर रश कर दिया जिसने मेरे को यहाँ पे गाड़ी से उड़ाने का ट्राई किया था, और उसको भी यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। टोटल 9 किल मेरे हो चुके थे और इसमें हमने बुआ निकाला था, 35 का प्लस मिला और साथ में 2 की बुआ स्टिक भी हमारी हो गई थी। सेम प्लानिंग के साथ हम लोग अगले गेम के अंदर पीक के अंदर उतरे, क्योंकि मुझे पता था कि स्टार्टिंग मुझे किल निकालने ताकि प्लस पूरा मिले और मिशन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पीक के ऊपर ही मैंने यहाँ पे 3 किल ऑलरेडी निकाल लिए थे, और बट सामने वाले बंदे जो है वीबीएस को मारने के लिए बार बार पीक के ऊपर ही लैंड किए जा रहे थे, उसी वजह से मुझे यहाँ पे किल तो मिल जाते, बट एक बात मैंने समझ लेती भाई कि अगर ज्यादा टाइम तक मैं यहाँ पे रुका तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा एनिमी यहाँ पे आ जाए और मेरी लूट भी चली जाए, मेरे को यहीं पे मरना पड़े। रिस्क न लेते हुए एक बार फिर से भीमा शक्ति की तरफ आया, मैंने एक और किल अपनी टीम के लिए निकाला। थोड़ा आगे गया तो मुझे एक और बंदा दिखा जो कि खुले में था, उसको बॉडी मार के नॉक किया, और उसका एक और टीममेट जो नीचे से रश कर रहा था मेरे टीममेट के ऊपर, उसको मैंने यहाँ पे नॉक कर लिया। अब किल तो यहाँ पे हो गए थे, मेरे दिमाग के अंदर एक बात चल रही थी कि हमें सिर्फ बुआ के ऊपर फोकस करना है, मेरे को बच के किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना था, और हम लोग उनसे कामयाब भी हो गए थे। बट जैसे आगे गए मेरे टीममेट को यहाँ पे एक बंदे नॉक कर दिया, मैंने उसको नॉक एंड फिनिश किया, बट अब जोन जो है काफी छोटा हो गया था, अब हमें फाइट लेनी ही पड़ेगी। एक और बंदे को वन टैप मार के मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, बट थोड़ी देर बाद मेरी पूरी की पूरी टीम मर गई और लास्ट में अकेला बंदा बचा हुआ था। मैंने एक को मोन्स्टर ट्रक से भी उड़ाया, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरा मोन्स्टर ट्रक तोड़ दिया, 3 बंदे बचे हुए थे, और जैसे ट्रक उन लोगों ने तोड़ा सीधा मेरे ऊपर रश कर दिया, और रश करने के बाद मेरे को फिनिश भी कर दिया। इस वाले गेम में #2 आए, किल काफी अच्छे थे, बट प्लस
सिर्फ और सिर्फ 28 मिला, यानी कि 10 प्लस मुझे ऑलरेडी कम मिला था। अब अगले गेम के अंदर जोन सर्वाइवर ने मेरे साथ स्टार्टिंग में ही प्लैंक कर दिया, मेरे को सिर्फ 400 वाला रिवाइव दिया और बंदों के बीच में उतार दिया। अब जैसे मैं उतरा मेरे को यहाँ पे एक बंदे को G80 से नॉक करना पड़ा जिससे तैसे, साथ में मुझे थॉमसन मिली उसके अंदर भी सिर्फ 20 AM होती। किसी तरीके से मैंने एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया। अब मैंने सोचा G80 से इसको नॉक वाले को फिनिश कर देते हैं और बाकी सारा G80 का एमओ उसको फिनिश करने में लगाऊं। उतने में एक और प्लेयर कूद गया, 5 AM होता है यहाँ पे थॉमसन के अंदर, उसको फिनिश किया। अब मेरे पास AC80 थी बट AC80 इतनी स्लो है कि सामने वाले प्लेयर ने मुझे नॉक कर दिया। मुझे गुस्सा बहुत आया उस टाइम पे कि भाई काश मुझे थॉमसन से रिवाइव करता, बट मेरे टीममेट ने मुझे यहाँ पे थॉमसन से एक बार रिवाइव किया और मैं जैसे नीचे आया दोनों प्लेयर को ओनली रेड नंबर्स मारे और फाइनली किल मुझे यहाँ पे मिले 2, जो कि पहले ही मिल सकते थे अगर मुझे थॉमसन वाला रिवाइव मिलता तो। पर गौर करने वाली बात ये थी कि अगर हम लोग जोन सर्वाइवर लेके खेले तो काफी ओपनली खेल रहे थे, कहीं पे भी रश कर रहे थे, बंदों को मार रहे थे, काफी अच्छे किल भी निकाल रहे थे, क्योंकि मन के अंदर डर नहीं था मरने का या फिर माइनस खाने का, क्योंकि जोन सर्वाइवर एक बैकअप प्लेयर होता ही है। बट इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को फिनिश कर दिया था, दूसरे वाले को भी ओनली रेड नंबर मारे और उसको भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया। काफी अच्छे किल मुझे यहाँ पे मिल रहे थे और उसी के साथ साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे थे गेम के अंदर। 8 किल मैंने निकाल लेते, 26 प्लेयर अभी भी अलाइव थे, आगे जाके 9 किल हो गए। अब ऊपर से उतरते मैंने एक बंदे को नॉक तो कर दिया बट मेरा किल और साथ में उस एनिमी का किल, दोनों का किल किसी और ने चुरा लिया। अब 9 किल के साथ ही यहाँ पे 16 प्लेयर बचे थे, जोन बहुत ज्यादा छोटा बचा था और मैंने एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया। साथ में उसके टीममेट को भी फिनिश करने के बाद पूरी की पूरी टीम को ही वाइपआउट करके 11 किल टोटल निकाल लिए थे। अब यहाँ पे जो जोन बना उसमें एक वेंडिंग मशीन भी थी और मुझे पता था कि काफी ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव होकर आने वाले हैं और किल भी काफी ज्यादा मिलेंगे। और देखते देखते आसमान से एक तरीके से बारिश हो रही थी यहाँ पे प्लेयर्स की और उसी का फायदा मैं स्कार 3 के साथ उठा रहा था। मैंने 2 प्लेयर को ऑलरेडी नॉक कर लिया, तीसरे वाले का वेस्ट तोड़ दिया था काइरोस करेक्टर की एबिलिटी के साथ में और मुझे 13 किल यहाँ पे टोटल मिल चुके थे। और उसके बाद एक प्लेयर बाहर जाता था खुले में, उसको मैंने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर लिया। और उसी के साथ गाइस ये वाले गेम के अंदर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और किल के साथ बुया निकाला जिसमें मैं 32 ही प्लस मिला, क्योंकि मिशन हम लोगों ने कंप्लीट किए नहीं थे किल के चक्कर में। अब अगले गेम के अंदर हम लोग पीक के ऊपर उतरे ताकि स्टार्टिंग में हम लोग किल निकाल सके। बट एक गौर करने वाली बात थी, जितने भी गेम मैंने खेले थे उसमें एक बात नोटिस करी थी कि जब भी बरमूडा मैप आता है तो सामने वाले बंदे बहुत अच्छे आते हैं, यानी कि प्लेयर उसमें बहुत अच्छे रहते हैं और एंड तक बहुत ज्यादा प्लेयर बचते हैं। अब पीक के ऊपर उतरते हम लोग मर गए थे, मेरा टीममेट जैसे तैसे बचा था सिर्फ 1 HP की गाड़ी के ऊपर, उसने हम लोगों को रिवाइव तो कर दिया बट सामने वाले प्लेयर पूरे के पूरे एक साथ रह रहे थे, 4 के 4 प्लेयर। मैंने एक बंदे को नॉक किया और उसको साथ के साथ फिनिश करने के यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था, क्योंकि 4 बंदे एक साथ ने देख लिए तो मैं अकेला था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन यहाँ से वेकअप कर लेते हैं और उसके बाद इनको मारेंगे। अब जैसे मैं मोचर टक लेके घूम रहा था मुझे एक प्लेयर खुले मिला अकेला, मैंने तुरंत उसको रश करके यहाँ पे नॉक और साथ में फिनिश भी ले लिया। अब जैसे 2 किल किए मेरे को एक और प्लेयर खुले मिला, उसको भी मैंने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ले लिया। बट जैसे मैंने ऊपर एलआई ऊपर देखा जितने लोगों को मार रहा था उसके बाद उतने लोग वापस से रिवाइव हो जा रहे थे। बट अच्छी बात ये थी कि मेरे को बंदे जो मिल रहे थे सारे अकेले अकेले मिल रहे थे, कहीं ना कहीं इसके टीममेट थे जो कि मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, भाई वीबीएच को मारना किसी भी तरीके से। और उसके बाद मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा जहाँ से ऊपर से मुझे पड़ रही थी M249X की और नीचे से मुझे पड़ रही थी, मेरी ग्लूवल टिक नहीं पा रही थी, स्काइलर का तो भाई क्या ही कहना है। मैं जैसे फिनिश हुआ एक बार फिर से रिवाइव होकर वहीं पे उतरा बदला लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों जोन के अंदर आना है और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनको सबक सिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बंदे को मार दिया था ऑलरेडी उसके स्क्वाड को, एक और बंदे को AC80 का हेडशॉट मार के उसको भी नॉक एंड फिनिश कर लिया और बच्ची कुछ कसर मेरे टीममेट नीचे पूरी कर दी थी सबको मारने के बाद। हमें इस वाले गेम के अंदर आधे मिशन भी किए थे, 36 प्लस मिला। अब जो मैंने पिछले गेम में बोला था कि भाई सिर्फ बरमूडा में अच्छे प्लेयर्स आते हैं, वो इस वाले गेम में आके पूरी तरीके से गलत साबित हुए, क्योंकि यहाँ पे इस वाले गेम में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आए थे। बट स्टार्टिंग में मैंने कुछ किल निकाल लिए थे और किल करने चक्कर में जैसे बंदों को रश किया उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे मिलकर इमोट भी दिखाए, भाई भर भर के लोल इमोट दिखाए। अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं इन लोगों से बदला लेके रहूँ और साथ में इस वाले गेम के अंदर भूया भी करूँगा। बहुत ढूंढा इनको एंड तक भाई मुझे मिले नहीं। अब लास्ट टाइम 15 बंदे बचे थे और मेरे को XVDY मिल गई थी और उसी के साथ मैं इनको यहाँ पे मारने लग गया। अब देखते देखते मैंने और किल भी निकालना स्टार्ट कर दिया और बंदे थोड़े कम होते गए और कुछ प्लेयर हमारे ऊपर उतर रहे थे। और देखते देखते मुझे एक ऐसे मेहमान मिले जो कि स्टार्टिंग में मुझे गेम के अंदर मिले थे और अपनी स्क्वाड के साथ यहाँ पे गैंगस्टर बन रहे थे। भाई अकेले में मिले तो मैंने सोच लिया था इनको दबा के रहूंगा, अब अकेले ही बचा था स्क्वाड का, उसको मारने के बाद इस वाले गेम के अंदर मैंने यहाँ पे भूया निकाल दिया और 79 जो है हमारे इंडिया के अंदर रैंक हो गई थी और काफी अच्छा प्लस हमारा हो रहा था। अब नेक्स्ट गेम के अंदर मैं पीक के ऊपर उतरा, उतरते मुझे एक्समेंट मिली जिससे मैंने एक किल अपनी टीम के लिए निकाल लिया था ऑलरेडी। और साथ में आगे जाते मेरे को एक और बंदा देखा जिसको एक्समेंट से रेड नंबर्स मारे। इस सीजन मैंने स्टार्टिंग में पहली बार एक्समेंट चलाए थे और उससे काफी अच्छे किल मेरे को यहाँ पे मिल रहे थे। मैं पूरे सीजन चला सकता हूँ बट सीन ऐसा है कि जब लेवल 4 का या लेवल 3 का जब हेलमेट आता है तो वहाँ पे एक्समेंट बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाती हेडशॉट के ऊपर, इसीलिए मैं दूसरी गन को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। अब जैसे हम लोग मरे 40 प्लेयर अलाइव थे और मेरे लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था, उस टाइम हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज थी बट जोन सर्वाइवर था और उसने किसी तरीके से हमारे स्क्वाड को बचा लिया। आगे जाके
मैंने एक और बंदे को मारा, बट इस वाली लोबी में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आए थे, बट फिर भी हमारे काफी अच्छे किल हो गए थे। बट इस गेम के अंदर मैं भूया लेना था, प्लेयर जो यहाँ पे 20 बचे थे, जोन काफी छोटा था क्योंकि पास में पीक था और पीक से इजिली यहाँ पे जोन सर्वाइव डिवाइड करे जा रहे थे। अब फाइट होती गई, एंड में जाते जाते मैंने देखा कि भाई एक बंदा तो पूरा टावर के अंदर छुप के बैठा था, पता नहीं वो अंदर कैसे गया। और इसी भूया के साथ हमारे इंडिया में 78 रैंक हो गए थे। अब स्टार्टिंग में गेप बहुत ज्यादा था तो हमारी रैंक धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, बट इस गेम के बाद मैंने देखा था कि रैंक का गेप बहुत कम है, यानी कि हम लोग भूया निकालेंगे तो हम और भी स्पीड से ऊपर जाएंगे। अब नेक्स्ट गेम के अंदर मुझे स्टार्टिंग में 3 किल तो मिल गए थे, बट उसके बाद एंड सर्कल तक मुझे प्लेयर मिले नहीं, बहुत ज्यादा ढूंढा और सर्कल बहुत छोटा हो गया, पर हमें जाके एक और प्लेयर मिला लास्ट में और टोटल 4 किल हो गए थे। मुझे कम से कम 8 किल निकालने थे, बट इन 4 किल के साथ ही मुझे खुश होना पड़ा और इस गेम में मुझे 32 ही प्लस मिला। मैं बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रहा था इंडिया में वापिस से, बट इस वाले गेम के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद मेरा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे गिर गया भाई। अब ऐसा क्या हुआ आपको एंड में पता चल जाएगा इस गेम के। अब स्टार्टिंग में मैं पिक के ऊपर उतर के बहुत अच्छे किल निकाल रहा था और पूरा जोश में भी लग रहा था क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा हो गया था। एक बंदा मेरे साथ टीम अप कर रहा था, बट मैं टीम अप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गरेना वाले कहीं ना कहीं टीम अप करने पर आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, कोई भी बंदा रिपोर्ट मार देता और मुझे ऑलरेडी 8 बंदे इंस्पेक्ट कर रहे थे, तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। अब पिक के ऊपर काफी अच्छे किल निकालने के बाद मैं सीधा क्लॉक टावर आ गया जोन के साथ में और यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी 2 किल मैंने बहुत अच्छे तरीके से निकाले हेडशॉट मार मार के। और उसके बाद मैं सीधा जोन के अंदर आया फैक्ट्री साइड, तो मैंने एक और प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट किया और उसके बाद पूरा का पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर दिया। अब सीधा मेरे को मॉन्स्टर ट्रक जिससे रुकता हुआ देखा, मैं उसी के मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के उसी के स्क्वाड के ऊपर रश कर दिया, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 बंदों को उड़ा दिया था, लगभग 200 का डैमेज दिया था, उनकी एचपी कुछ ही बची थी और चारों लोगों ने मिलकर एक साथ मेरा ट्रक तोड़ दिया, जिसमें से मैंने एक प्लेयर को नोक भी कर दिया था। अब जैसे मैं नीचे उतरा एक बंदे का रिलोड आया, उसी का फायदा उठा के मैंने उसको भी यहाँ पे नोक कर दिया और उसके बाद उसके एक टीममेट ने यहाँ पे मेरे ऊपर रश कर दिया, ग्लू वॉल लगा के मैंने सीधा जैसे नोक वाले को फिनिश करके उसके ऊपर रश करने का ट्राई किया। मैंने सोचा क्यों ना नोक वाले को पहले फिनिश कर देते, अपनी एचपी काफी कम है, और उसी के साथ मैंने एक मेडिकेट मार के उस पूरे स्क्वाड को वहाँ पे वाउपर कर दिया था। अब काफी अच्छे किल के साथ ये वाला गेम भूया तो मिला, बट नोटिस करने वाली बात है पिछले गेम के अंदर 78 रैंक थी और इस वाले गेम के अंदर 92 आखिर में हुई तो हुई कैसे। देखो जो पिछला गेम मैं खेल रहा था वो नाइट में खेल रहा था लगभग 12-1-2 बजे और पिछले 2 दिन के इवेंट की थकान के जैसे पता नहीं चला कब बैठे बैठे नींद लग गई, और जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 9:30 बज चुके थे और उस टाइम तक मैं इंडिया के अंदर डायरेक्टली 92 नंबर पे आ गया था। अब ये नींद वाले कहानी की वजह से ना मेरा हिम्मत और कॉन्फिडेंस दोनों ही टूट गए थे, बट फिर मैंने समझाया खुद को कि यार इतना क्लोज आए ना तो भाई ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे इसको, हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे यार, और जो होगा जो देखा जाएगा। अब किसी तरीके से हिम्मत जुटा के हम लोगों ने एक बार फिर से अपने रैंक प्लस स्टार्ट तो कर दिया था, बट सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि हम लोग 91 पे थे और जो बंदा 90 पे था उसके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी गैप थी। अब उसको भरने के लिए हमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, तब जाके हम लोग 90 पे जा पाएंगे, और उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा और साथ ही साथ हमको सारे के सारे मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि हर एक गेम के अंदर हम लोग 38-37 प्लस ले ले, ताकि हम लोग बहुत जल्द उस पोजीशन पे जा सके जहाँ पे हम लोग पहले। अब ऑलरेडी 4 किल हमने निकाल लिए थे, उसके साथ 5 किल भी हो गए थे और एक बार फिर से उतरने के बाद हमें स्कार 3 मिली और उसके बाद हमारे हाथ में आ गए थे ड्रैगनो। वन टैप मारने के बाद एक और बंदे को फिनिश किया और लास्ट वाले बंदे को मारा और 8 किल के साथ इस वाले गेम के अंदर भूया निकाला, तो सिर्फ और सिर्फ 30 ही प्लस मिला था क्योंकि भाई साहब हम लोगों ने मिशन कंप्लीट नहीं की, और मिशन कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि इस पूरे गेम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम लोग सिर्फ फाइट ही करते रहे और बिना टाइम गए हम लोगों ने अगला गेम स्टार्ट कर दिया, जहां पे आते ही मैंने 1-2 किल तो ऑलरेडी निकाल लिए थे और आगे बढ़ते गए। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे गिरे थे रैंक में एक बात नोटिस करने वाली थी, लोबी बहुत अच्छी आ रही थी, बट अच्छी बात ये थी कि मेरे को काफी टाइम हो चुका था मोबाइल पे खेलते खेलते और उसकी वजह से मेरे हाथ काफी अच्छी तरीके से सेट हो गए थे, तो मैं हिट बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पा रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ बॉडी बॉडी के ऊपर ही काम चला रहा था। अब साथ में ग्लू वॉल भी काफी अच्छी स्पीड से लग रही थी, अब खेल तो काफी अच्छे निकाल रहा था बट जोश जोश में मैं होश खो रहा था और कहीं ना कहीं अभी तक मैंने मिशन को देखा भी नहीं था, इवन मैं किए कर ही नहीं रहा था किसी भी गेम के अंदर, कि हर गेम में कहीं ना कहीं मेरे को 8 प्लस ज्यादा देते हैं और अगर हम 10 गेम पे खेलते तो 80 रैंक पॉइंट का डिफरेंस आता है, ये बात उस टाइम पे मेरे को सोचने वाली थी, बट स्टिल इस वाले गेम में मैंने भूया निकाला तो मुझे 32 का प्लस मिला था क्योंकि ठीक था पिछले वाले गेम से। अब मैंने 2-4 गेम यहाँ पे खेल लेते, इवन 4 की भी स्टिक मेरी हो गई थी, बट मैं अभी तक 91 पोजीशन से हिला तक नहीं था और कहीं ना कहीं नींद ने मुझे एक घायल शेर बना दिया था, मैं किसी भी बंदे के ऊपर जाके पूरा टूट पड़ता था, बस मुझे किल निकालने, भाई ऐसा लग रहा था कि इसी गेम के अंदर मैं वापस से वही 78-71 वाली पोजीशन पे चला जाऊंगा। और उसी के साथ पीक के ऊपर मैंने जाते यहाँ पे एक बंदे को नोक में फिनिश किया, उसका एक और टीममेट था
उसको भी यहाँ पे नॉक कर दिया, बट इसके बदले मेरा एक टीममेट भी मैंने खो दिया था। स्टार्टिंग में दो तीन किल तो निकाल लिए थे, बट जिन लोगों को हम लोग मार रहे थे वो लोग वापस वहीं पे उतरे जा रहे थे हमें मारने के लिए। अब यहाँ पे भी एक बंदा मेरे को सीधा रश किया, उसको ओनली हेडशॉट मार के मैंने नॉक एंड फिनिश कर दिया। और जैसे उसके बाद मैं मरा फिर से एक बार नीचे उतरा तो ये लोग बिल्कुल भी मारने को रेडी नहीं थे भाई, मारने के लिए बिल्कुल पागल से हो रहे थे, वहीं पे उतरे जा रहे थे। हमने सोचा कि हम लोग अलग चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बंदा देखा, उसको नॉक भी कर दिया, और जब मैं थोड़ा सा आगे मैंने देखा कि इसी घर के अंदर पूरा लेवल 4 का हेलमेट रेस लेके 3 बंदे बैठे हुए थे जिन लोगों ने मुझे नॉक कर दिया। और भाई भाई लोग इमोट दिखाने के लिए भी आ रहे थे, पर इनको मौका नहीं मिला। एक बार मैं फिर से रिवाइव होकर आया और मैंने पीक के ऊपर एक और लड़की को नॉक किया, और मैं जब नोटिस किया कि अभी भी इतने सारे प्लेयर्स अलाइव है, और उसके बाद देखा तो भाई पूरी की पूरी टीम मेरी साफ हो गई पीक के ऊपर, पता भी नहीं चला। और सिर्फ मैं सोलो सर्वाइवल लेके जोन के अंदर जा ही रहा था क्योंकि मेरे पास मेडिकिट नहीं थी, बट एक बंदे ने रस्ते में रोक के खुद भी मरा और साथ में मुझे भी मार दिया। और सिंपल शब्दों में बोले तो इसी को बोलते हैं जो जोश में होश को बैठना। अब मुझे एक बात समझ नहीं रहती है, आखिर में इस प्लेयर को मिला क्या मुझे मार के भाई, सीरियसली वो खुद भी तो मर गया था साथ में, और मेरा 16 का माइनस करवा के भी चला गया। बट इस वाले गेम के अंदर मुझे काफी संभल के खेलना था, और कहीं ना कहीं अब मेरे बात में दिमाग बैठ गई थी कि भाई गेम को बुझा करने के साथ साथ अपने को मिशन के ऊपर ध्यान देना ही है अगर अपने को और ऊपर जाना है तो। बट दूसरी तरफ मेरे टीममेट जो है भाई किल के चक्कर में बहुत ही बुरी तरीके से मर रहे थे, और यहाँ से मैंने नोटिस करी थी कि अब हमारे जो लोबी आ रही थी ना फुल रीजन लोबी आ रही थी, और कंटिन्यूसली रीजन लोबी आना मतलब कि अपने को बहुत ज्यादा नुकसान था। एक सबसे बड़ा नुकसान था अपना जोन सर्वाइवर, अगर कंटिन्यूसली रीजन लोबी आती है तो हर एक स्क्वाड के पास एक जोन सर्वाइवर होता है जो कि जोन के बाहर रहते हैं। ऐसे में कभी कभी जोन सर्वाइवर आपस में जब निकलते एक दूसरे के पास से तो लोग गाड़ियां तोड़ देते एक दूसरे की, और किसी भी तरीके से अगर हम लोग जोन सर्वाइवर को रिवाइव वापस कर भी दे तो भाई उसको गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि सारी गाड़ियां जो ऑलरेडी बिजी रहती है भाई। ऐसे में भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसी गेम के अंदर हमारा एंड में 11 बंदे बचे तो हम लोग एक ही बंदा बचा हुआ था, भाई ने किसी तरीके से यहाँ पे कैंपिंग करके एंड तक तो आ गया, बट स्टिल अब यहाँ पे 1v1 की फाइट थी, और कहीं ना कहीं इस वाले गेम के अंदर इसके पास कोई अच्छी लूट भी नहीं थी भाई, ऊपर से जस्ट उतरा ही था, इसी का फायदा उठाया सामने वाले ने, पीछे से इसको मार दिया, और ये वाला गेम हम लोग #2 आए। अब कुछ माइनस और पूरा पूरा प्लस ना लेने की वजह से जो मेरे से नीचे था वो बंदा मुझसे ऊपर आ गया उल्टा, और मेरी रैंक जो है 92 पे चली गई 91 से। बट अच्छी बात ये थी कि भाई जो हमारा गेम था वो काफी कम था, यानी कि एक दो गेम में अगर हम लोग अच्छा प्लस लेते हैं तो डायरेक्ट 90 पे आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगले गेम के अंदर मैंने स्टार्टिंग में एक दो किल निकाल लेते, आगे तक एक बंदा गेम कर रहा था उसको भी मार दिया मैंने यहाँ पे, और एक बार फिर से हम लोग 91 रैंक पे आ गए थे। और अब अच्छी बात ये थी कि 90 के साथ हमारा गेप बहुत कम था, और साथ साथ उससे ऊपर भी जो गेप था वो बहुत ही कम होता, तो अब मैं अगर यहाँ से अच्छे प्लस निकालूं तो बहुत ही आसानी से एक बार फिर से 70 60 50 तक मैं जा सकता हूँ क्योंकि गेप बहुत कम था। और इसी के साथ हम लोगों ने जोन को प्रायोरिटी देने के साथ साथ बुया के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब जोन बिल्कुल एंड सर्कल ही था लगभग, और 31 प्लेयर अलाइव थे यहाँ पे, और ऐसे टाइम में अगर हमारे पास कोई अच्छा हार्ड कवर नहीं है या फिर कोई घर नहीं है तो मुझे अच्छे से पता है कि गाड़ी वाले तुरंत सफर करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता भाई कि कब कहाँ से कौन गाड़ी वाला हमें मार के चला गया। अब सामने देख सकते हो किसे बंदे खुले में मॉन्स्टर ट्रक वाला उसके ऊपर ओपनली मॉन्स्टर ट्रक लेके घूम रहा है बेचारे के ऊपर, पर ऐसे में बंदे थर्ड पार्टी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते जैसे कि मैं यहाँ पे फायदा उठा रहा हूँ। 25 प्लेयर अलाइव थे, जोन काफी छोटा हो गया, और उसके बाद कैसे जैसे हम लोग जोन के अंदर चले गए, और जो लोग जोन में आ रहे थे उनको में से एक बंदा को मैंने ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश भी कर दिया था। एक बार मैं फिनिश हुआ था, बट अच्छी बात ये थी कि वेंडिंग मशीन हमारे पास थी, मेरे को रिवाइव यहाँ पे मिल गया। हम सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, सुदीप भाई और मैं, और सामने वाले प्लेयर ने उसके 2-3 बंदे रिवाइव तो कर दिए थे और उनको मैंने हवा के अंदर ही मार दिया। और इस वाले गेम के अंदर भाई एंड में आकर हम लोगों ने किल निकाले थे, बट अच्छी बात ये थी कि किल आखिरी में हमें मिले थे, 31 का बुया प्लस हम लोगों ने निकाला। अब गेम बहुत कम बच रहा था और मेरे अंदर बहुत एक तरीके से भाई एक हलचल सी मच रही थी, कब मैं 91 वाला कर्ज को मैं क्रॉस करूंगा। अब लोबी काफी अच्छी थी और मेरे को इस गेम के अंदर और किल निकालने थे, और मैंने सोचा था कि इस गेम के अंदर मिशन भी करूंगा। और जैसे मैं लूट कर रहा था मैंने नोटिस किया कि किसी भाई ने मेरे को हंट किया है। मैंने भी सोचा कि भाई क्यों ना मैं अकेले जाके इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड को मार के बताऊं और साथ में बताऊं कि भाई किसी को हंट नहीं करते ये वजह, बट मुझे नहीं पता था कि भाई ये लोग इतनी प्लानिंग के साथ वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और फाइनली उनका हंट तो खत्म हो गया था, बट 31 बंदे अलाइव थे। मैंने यहां पे तीसरा किल किया और एक और बंदे को जैसे मैंने यहां पे नॉक किया उसके टीममेट ने गजब का कवर दिया और मेरे को यहां पे नॉक एंड फिनिश भी कर दिया। उतरने के बाद मैंने एक और किल निकाला बोर्ड के ऊपर से और एंड में एक ही बंदा बचा था और उसको फिनिश कर दिया। अब 4 किल थे तो मुझे पता था कि ज्यादा प्लस नहीं मिलने वाला है, पर स्टिल मुझे इस गेम के अंदर 31 का प्लस मिला था जो कि मेरे को मिशन की हेल्प से मिला था। अब रैंक प्लस काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, और साथ में मैंने एक बात नोटिस की थी, मेरा जो गेम प्ले भाई सीरियसली कुछ ही दिनों के अंदर मोबाइल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले इंप्रूव हो गया था। क्लोज रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में मेरे बहुत ही अच्छे हेडशॉट कनेक्ट हो रहे थे, चाहे वो वन टैप हो या कुछ भी हो। अब एक बंदे को मैंने वुड फिगर से वन टैप मारा, उसका एक और टीममेट था उसको मैंने बहुत ही अच्छा वन टैप मारा, और इस गेम के अंदर स्टार्टिंग में मैंने 3 किल किए तो तीनों के तीनों मेरे सिर्फ हेडशॉट थे या फिर वन टैप थे।
देख के मेरे को काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा था भाई कि चलो एटलीस्ट मेरा गेम प्ले तो इम्प्रूव हो रहा है मोबाइल के अंदर। आगे जाके मैंने एक और बंदे को हेडशॉट मार के नॉक एंड फिनिश कर दिया और उसके बाद मुझे और भी किल यहाँ पे निकालने थे। एक और बंदा मिला, उसको भी यहाँ पे फिनिश किया, टोटल 5 किल मेरे हो गए थे। एक बंदा मिला और फाइनली एक और बॉडी मार के मेरे को एक और किल मिल गया। अब इस गेम को बड़ा बनाना था तो सीधा मैंने रश कर दिया और एक और किल इस वाले गेम के अंदर मैंने निकाल लिया। बहुत ही अच्छा बजा रहा था ये गेम और सामने एक प्लेयर देखा जो कि खुले में ग्लू लगा के पता नहीं क्या लूट रहा था, उसको मैंने बॉडी मारा और एक बंदा जो हवा से उतर रहा था उसको तुरंत हेड मार के नॉक एंड फिनिश साथ के साथ कर दिया। टोटल 8 किल मेरे हो गए थे। एक बंदा रिवाइव करने के लिए आया था अपने टीममेट को, भाई सीरियसली उसको मार दिया। मुझे समझ में आता है इतने सारे प्लेयर्स आ कहां से रहे, आखिर में इनको चाहिए क्या भाई मुझसे। 9 किल टोटल मैंने निकाल लिए थे, उसके बाद एक और किल मुझे फ्री में मिल गया और इस वाले गेम के अंदर मैंने मोस्ट ऑफ किल जो है सिर्फ और सिर्फ वन टैप हेडशॉट से निकाले थे। टोटल 11 किल मेरे इस वाले गेम के अंदर हो गए थे और अभी भी 14 बंदे अलाइव थे, यानी कि इसमें मैं और भी ज्यादा किल कर सकता था। अब आगे जाके मैंने एक और बंदे को यहाँ पे जो जोन के अंदर आ रहा था उसको बॉडी मार के नॉक कर दिया और टोटल 12 किल फाइनली मेरे इस वाले गेम के अंदर हो गए थे। जब मैंने बुआ किया तो मुझे 37 का प्लस मिला था क्योंकि मैंने एक दो मिशन भी कंप्लीट किए थे। अब प्लस काफी अच्छे से हो रहा था और ऐसे में किल कम निकाल रहा था तो अगले गेम के अंदर मैं उतरा पीक के ऊपर, वो भी उतरते ही मुझे मिली डबल विक्टर। वहां पे मैंने एक बंदे को नॉक और साथ साथ में फिनिश भी कर दिया। उसके बाद एक और बंदा देखा जिसको मैंने एक्समेट से हेड मार के नॉक कर दिया और थोड़ा आगे में जा रहा था तो यहाँ पे एक बंदा केम कर रहा था, इसको भी मैंने मार दिया। टोटल 3 किल मेरे हो गए थे। पता नहीं क्यों इन लोगों को लग गया था भाई कि मैं यहीं पे हूँ पीक के ऊपर, उनके पूरे पूरे स्क्वाड जो है एक एक करके मेरे ऊपर आ रहे थे मुझे मारने के लिए और पीक से मुझे कहीं से भी निकलने नहीं दे रहे थे। इस साइड जाऊं या फिर उस साइड जाऊं कहीं ना कहीं से फायर आ जा रहा था। अब मुझे बात ही समझ में आ गई थी कि किल तो यहाँ पे मिल जाएंगे बट मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि जोन छोटा हो रहा था और प्लेयर जितने को मारा था उतने ही रिवाइव हो रहे थे। अब एक बंदे को मैंने हेड तो मारा था बट स्टिल पता नहीं कैसे बच गया। अब हम पीक के ऊपर ही रुक गए थे यहाँ पे पूरी तरीके से एक जगह पे, मुझे पता था कि ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, एक बार मार के ही छोड़ेंगे भाई। पूरा का पूरा स्क्वाड बार बार यहीं पे कूद जा रहा था, हम जितने किल निकाल रहे थे उतने ही प्लेयर यहाँ पे आ रहे थे भाई। मैं परेशान हो गया था यहाँ से बट फाइनली जोन आया और जोन की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया और मैं पीक से जो है जोन की तरफ लग गया। 29 बंदे बचे थे, बहुत छोटा जोन था और भी बंदे उतर जा रहे थे, पता नहीं कहां से लोग इतना ज्यादा रिवाइव हो रहे थे। अब लास्ट टाइम मैंने 12 किल निकाल के इस वाले गेम को बुआ किया, 32 का प्लस मिला। अब मैंने बहुत सारे गेम खेले थे बट स्टिल में 91 से ऊपर नहीं जा पा रहा था क्योंकि इससे ऊपर वाला बंदा भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लस कर रहा था और थोड़ा गेप भी था तो मुझे पता था कि इतनी आसानी से मैं उसको पीछे नहीं छोड़ सकता था। साथ ही साथ एक और बात थी कि जब भी रिटर्न लॉबी आती थी ना तो वहां पे बंदे ऐसे आते हैं जिनका या तो कोई चैनल होता है या फिर कोई इंस्टाग्राम पे पेज होता है तो वो लोगों को अगर हम लोग एक बार मार देते तो लोग हमें मारने के लिए हमेशा आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको मार के जो है वीडियो डालेंगे या फिर कंटेंट निकालेंगे। तो इस वजह से ऐसी रीजन वाली लोबी में मान लिया बुआ निकालना तो मुश्किल होता ही है, साथ में साथ बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब फाइनली मुझसे रहा नहीं गया और मैंने देख लिया भाई कि एक्चुअल में बंदा कितना दूर है तो अभी भी मुझसे जो है लगभग 50 या फिर 60 जो पॉइंट है वो डिफरेंस का था। आप लोग मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो मैं कितना ज्यादा प्लस कर रहा था, हर एक गेम में सही तरीके से प्लस ले रहा था बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं उसको बीट नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बंदा थोड़ी देर के लिए खेलना बंद करेगा और उसी टाइम में बीट कर पाऊंगा क्योंकि वो भी प्रॉपर प्लस ले रहा था। अगले गेम में उतरते ही मैंने यहाँ पे 2 किल तो कर लिए थे और उसके बाद मैं जैसे जा रहा था वहां पे तो मैं जैसे नोक हुआ उसके बाद का सीन अलग हो गया क्योंकि मेरी पूरी टीम मर गई थी और मेरा एक अकेला टीममेट बचा था और 40 बंदे अलाइव थे। उसको वहां पे डैमेज तो लगा बट किसी तरीके से उसने बच के हमें रिवाइव किया और उसमें जान में जान आई। मैं एक बार फिर से जो है पीक के ऊपर गया, मैंने सोचा कि जो बचे कुछ बंदे उनको मार देता हूं। एक बंदे को मैंने पीक की छत के ऊपर जाके पूरा रेड नंबर मार के नॉक कर दिया और साथ में फिनिश भी कर दिया। अब मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था कि इतने मेरी गाड़ी तोड़ दी, फिर हम किसी तरीके से बच के जो है क्लॉक टावर के अंदर चले गए और वहां से हम लोग जोन की तरफ बढ़ गए। अब मैं जोन के अंदर चला गया था बट वहीं पे मेरे 2 टीममेट एक ही बंदे से नॉक हो गए जिससे मैं नॉक हुआ और उसके बाद मुझे जैसे रिवाइव मिला हम लोग जोन की तरफ देख रहे थे पीछे से 2-3 बंदों ने एक साथ हमारे ऊपर रश कर दिया। मैंने एक बंदे को नॉक किया, दूसरे वाले को हेड मार दिया था और तीसरे वाले को मारने के बाद हम लोगों ने इन लोगों को मार के बहुत ही अच्छी लूट ले ली थी। जैसे लूट मिली मैंने यहाँ पे और बंदों को भी नॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया जिसमें से एक बंदे को मैंने गाड़ी के अंदर ही हेड मार के नॉक कर दिया। अब जोन काफी छोटा हो गया था और प्लेयर काफी ज्यादा अलाइव थे, अब बहुत ही 4v4 की फाइट यहाँ पे हमारे बीच में हो रही थी और साथ में एक बंदे को जैसे नॉक किया मैं सीधा आगे रश कर दिया, उसके एक और टीममेट को नॉक किया। अब मुझे पता था मैं यहाँ पे नहीं बचने वाला हूँ तो मैंने मेरे किल को सिक्योर करने के लिए ऑलरेडी उनके ऊपर नेट की पूरी बारिश कर दी था कि वो बंदा ना तो रिवाइव हो और ऊपर से मुझे किल भी मिल जाए। अब मैं जैसे नॉक हुआ मैं एक बार फिर से रिवाइव होकर मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ऊपर से भाई बंदे उतरे जा रहे थे अभी भी इतने छोटे सर्कल के अंदर, पता नहीं कैसे उसके टीममेट
टीममेट ने उनको रिवाइव दे दिया। मैंने एक और बंदे को नॉक किया और फाइनली इस गेम को भी हम लोगों ने भाई बहुत ही मुश्किल से भूया निकाला। एंड में बहुत ज्यादा फाइट हुई थी हमारी और 39 का प्लस मिला क्योंकि इसमें 10 किल के साथ मैंने सारे के सारे मिशन कंप्लीट किए थे और मुझे इसी तरीके का प्लस चाहिए था क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस तरीके का प्लस मिलता रहा तो 90 वाले को मैं बहुत ज्यादा बीट कर दूंगा और एक बार अगर 90 वाला बीट हो गया तो उसके बाद हर एक गेम के अंदर मैं एक एक पोजीशन ऊपर जाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं था। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि इस पोजीशन को मैं पहले क्लियर कर चुका था और मुझे री क्लियर करना पड़ रहा था क्योंकि एक नींद की वजह से, बट क्या कर सकते हैं भाई, दिक्कत आ जाती है, इंसान है भाई। अब आगे जाके मैंने एक और बंदे को स्कार से हेड मार के नॉक एंड फिनिश कर दिया। मैं जिससे उतरा मैंने देखा दो बंदे ऊपर गेम कर रहे, मैंने एक बंदे को ओनली हेड मार के नॉक कर दिया, उसका दूसरा टीममेट उसको रिवाइव करने में बिजी था, उसको भी जाके मैंने नॉक एंड फिनिश कर दिया। अब जैसे मैं मेडिकेट लगा ही रहा था कि ऊपर से और बंदे भी कूद गए, यहाँ पे मेरी एचपी कम थी और ऐसे में ऊपर से उसको लगा हेडशॉट और मैं नॉक हो गया। अब मैं उससे बदला लेने के लिए एक बार फिर से कूदा, उसको हेड मार के नॉक कर दिया, पर उसके साथ साथ में एक बार फिर से नॉक हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी, पास से मैं रिवाइव होकर वापस से आगे बढ़ा। जोन तो बहुत छोटा हो गया था, 17 बंदे एलाए थे, मैंने एक और बंदे को नॉक एंड फिनिश कर दिया, टोटल 8 किल हो गए थे। और यहाँ पे मैंने एक लॉन्चर से एक बंदे को नॉक कर दिया भाई, जो कि बहुत ही अच्छा लॉन्चर लगा मुझे ये वाला भाई, सीरियसली भाई। अब जोन बहुत छोटा हो गया था, एंड में मेरे को मेरे पास काफी अच्छी गन थी M60, मैं बंदे नॉक निकाले जा रहा था और किल मुझे भी काफी अच्छे मिल रहे थे। 11 किल टोटल मेरे हो गए थे और बंदे मेरे ऊपर कूद रहे थे उल्टा मुझे मारने के लिए। एक बंदा कूदा, उसको हेड मार के नॉक कर दिया और टोटल 12 किल मैंने इस वाले गेम के अंदर निकाल लिए थे। और मिशन भी किए तो मुझे पता था कि प्लस काफी अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर, 36 का प्लस मिला, साथ में 2 की बुआ स्टिक भी हमारी इस गेम के अंदर हो गई थी। तो 91 को क्रॉस करने के बाद हम लोग कितना ऊपर तक चले गए थे, उसके बाद मेरे आईडी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप लोग बस वेट करिए एक और पार्ट का। बट उससे पहले आप लोग के लिए खुशखबरी है कि जो भी बंदा मेरे साथ वीडियो में आना चाहता है तो मुझे कुछ प्लेयर्स की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां से मैं आप लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर ही आप लोगों को अपडेट मिलने वाली है, तो सारे बंदे जाके जल्दी से फॉलो कर दीजिए। और इस वीडियो के अंदर लाइक हमें 20 के तो सारे लोग लाइक कर देना। तब तक के लिए गाइस खुश रहो, वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।